सो हेलो फ्रेंड्स, सो इस वीडियो में चंदन नगर कॉलेज का हम लोग एडमिशन फॉर्म फिलअप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये सर्च कर लेना यहाँ पे, फिर देख लेना चंदन नगर कॉलेज डॉट ए सी डॉट इन आ जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को क्लिक कर लेना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे आओ, उसके बाद देखना एडमिशन 2324 आएगा, इस पर क्लिक कर लेना। उसके बाद एडमिशन पोर्टल पे क्लिक करना है और ये ठीक है, उसके बाद सिंपली अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ पे क्लिक करते करते यहाँ नीचे आओ, क्लिक हियर टू प्रोसीड पे जाओ। उसके बाद चलो फर्स्ट नेम लिखना है, जो कि तुम्हारा जो फर्स्ट नेम जो भी होगा ना, वो सारा चीज़ तुम्हारा रिलेट करना चाहिए। किससे बोलो तो तुम्हारा एडमिट कार्ड, क्लास 12 का जो भी एडमिट कार्ड है ना, उसमें जो नाम है ना उससे मैच करना चाहिए जो भी तुम दे रहे हो। बर्थ ऑफ डेट ऑफ बर्थ 10th का एडमिट कार्ड से मैच करना चाहिए, वही डालना। ठीक है, जेंडर सेलेक्ट कर लो, ब्लड ग्रुप पता है तो दो, नहीं तो नॉट नोन करके आगे बढ़ो। आधार नंबर दे दो, कैटेगरी जनरल हो तो जनरल ही देना, क्योंकि एस सी एस टी दोगे तो तुम्हारा वेस्ट बंगाल का सर्टिफिकेट होगा तभी। देखो यहाँ ऊपर लिख भी दिया, वेस्ट बंगाल का सर्टिफिकेट हो तभी देना कास्ट, नहीं तो नहीं देना। डोमिसाइल अगर वेस्ट बंगाल के हो, रहने वाले हो तो तभी दो, नहीं तो फिर अदर स्टेट दो। मान लो तुम बिहार से पटने आ रहे हो बंगाल में, तो तुमको वेस्ट बंगाल नहीं दे सकते, तुम अदर स्टेट करके बंगाल ही देना पड़ेगा, ये सॉरी बिहार देना पड़ेगा। ठीक है, मार्शल स्टेटस मैरिड अनमैरिड, नेशनलिटी इंडियन हो, बंगाली ये बांग्लादेशी है जो भी है वो देख लेना। और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है आपका ये रिलीजियन, बीपीएल एपीएल। बीपीएल में अगर तुम, बीपीएल तुम लोग को पता होगा अगर, क्योंकि रेशन कार्ड से रिलेटेड है, बिलो पॉवर्टी लाइन में तुम लोग बिलोंग करते हो तो यस करो, नहीं तो नो। यस करोगे तुमको कार्ड लगे, सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तो वो चीज़ तो है नहीं। ईडब्ल्यूएस में ऑब्वियसली बिलोंग नहीं करोगे, अगर करोगे तो तुमको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में करोगे तो यस करना पड़ेगा, और यस करोगे तो तुमको सर्टिफिकेट भी लगेगा, तभी यस करना, नहीं तो नो करके निकल लो। फैमिली ये एनुअल फैमिली इनकम ना 2,40,000 या फिर 50,000 तक की रखना, क्योंकि बाद में स्कॉलरशिप में फायदा मिलेगा तुमको। पर्सन विद डिसेबिलिटी में नो, हो तो यस करना। रिजल्ट डिक्लेयर बाय बोर्ड, बोर्ड में तो पास किए हो तभी ना एग्जाम दे रहे, ये फालतू का क्वेश्चन था यहाँ पे। 10+2 का पास ईयर कौन सा साल में, 10+2 12 पास किए हो तो वो देना है यहाँ पे। 10+2 का बोर्ड कौन सा बोर्ड था, वेस्ट बंगाल बोर्ड था तो ये सिलेक्ट करो, नहीं तो कोई और बोर्ड था, तो इतना सारा डिटेल में से सिलेक्ट कर सकते हो। एंटर रोल नंबर, मार्कशीट में जैसे रोल नंबर है वो देना है। ठीक है, 10+2 कौन सा स्ट्रीम से है, कॉमर्स है साइंस है, वो सिलेक्ट कर लेना। रजिस्ट्रेशन नंबर तुम नहीं दे भी सकते, नहीं दे सकते, कंपलसरी नहीं दे, छोड़ दो। समझ गए ना हम क्या किए, नंबर दे दिए, व्हाट्सएप नंबर अगर है तो यस करके वापस एक व्हाट्सएप नंबर दे सकते हो, वही वाला कॉपी करके डाल देना, अभी हम नो कर दे रहे हैं। और ईमेल देना, ईमेल ज़रूरी है, और एक पासवर्ड जिसमें कैपिटल स्मॉल और नंबर सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद रिव्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना। ठीक है, रिव्यू करने के बाद एक बार देख लेना सब कुछ सही है ना। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी डिटेल्स 20238 3 करके बाद यहाँ कंफर्म करना है, उसके बाद सबमिट कर दो। सबमिट कर दिए, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ, सिर्फ रजिस्ट्रेशन। तो इसको सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ, अभी एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ। इसको ना तुमको ये जो आईडी दिया हुआ है ना यहाँ पे ना, तुमको यहाँ फोटो लेना लेना ले लेना पड़ेगा। ठीक है, इसका फोटो ले लेना, क्योंकि ये जो आईडी दिया हुआ स्टूडेंट आईडी, बाद में काम लगेगा। इसको फोटो ले लो, ध्यान से नोट कर लो कहीं पे भी। नोट करने के बाद यहाँ पे हम तो कॉपी कर ले रहे, क्योंकि कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे वापस तुम यहाँ पे जाना, और यहाँ पे स्टूडेंट आईडी की जगह स्टूडेंट आईडी देना। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो दिए थे वो देना, और जो पासवर्ड वहाँ डाले थे जो हम बोले थे वो पासवर्ड डालना। ठीक है, ये करने के बाद लॉगिन कर देना। लॉगिन करने के बाद आप देखो कि तुमसे और भी डिटेल्स मांगेगा, बहुत सारा कुछ। वेरीफाई, अब बोलता है वेरीफाई करने मोबाइल नंबर एंड ईमेल, तो ठीक है वेरीफाई करते हैं। आप मोबाइल नंबर का ओटीपी जाएगा, सेंड ओटीपी इन मोबाइल कर दिया मैंने, और सेंड ओटीपी इन ईमेल कर दिया। उसके बाद ईमेल में भी चेक करो, और ईमेल मोबाइल का ओटीपी यहाँ डालना है, ईमेल का ओटीपी यहाँ डालना है। सो मैंने ईमेल दे दिया है, ईमेल देने के बाद वेरीफाई करो मोबाइल को, मोबाइल नंबर वेरीफाइड, और ईमेल का ओटीपी वेरीफाई ईमेल, तो ईमेल भी वेरीफाइड हो गया। उसके बाद वापस रिटर्न टू डैशबोर्ड चलो, आप कंप्लीट एप्लीकेशन में जाना है।
ठीक है, माइनॉरिटी ग्रुप सेलेक्ट करना है, अगर तुम मुस्लिम हो तो यस, नहीं तो नो कर। मदर टंग हिंदी इंग्लिश क्या है तुम्हारा मदर टंग वो कर देना। फर्स्ट जनरेशन लर्नर मतलब तुम अपना फैमिली में पहले इंसान हो जो कि ये कोर्स कर रहे हो, हाँ तो यस, नहीं तो नो, मैं तो नहीं है तो नो कर दिया। हॉस्टल रिक्वायर्ड, तुम हॉस्टल चाहिए तो यस करो, नहीं तो नो करो, ठीक है, चाहिए तो यस, नहीं तो नो, ठीक है। स्पोर्ट्स कोटा है तुम्हारा, अप्लाई करना चाहते हो स्पोर्ट्स कोटा में तो यस, नहीं तो नो। एनएसएस में ज्वाइन करना चाहते हो तो टिक कर दो, ठीक है। भारत शिक्षा डिटेल्स तुम्हारे पास है तो दो। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में अप्लाई करना चाहते हो क्या, नहीं तो नो करो। जिसको नहीं पता, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मतलब फैसिलिटी है जहाँ पे बहुत चीप रेट में, मे बी 3 या 4% में तुमको कुछ लोन मिल जाता है जहाँ तुम फर्दर स्टडी कर पाओगे बंगाल से। वेदर अप्लाइड फॉर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट तो नो कर देना, सेव कर दो। उसके बाद फादर ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन क्या है, बिजनेसमैन है तो बिजनेस, ठीक है। फादर का क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लो, सेकेंडरी सेकेंडरी। फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, बिजनेस, अरे यहाँ फादर का नेम था, अच्छा ठीक है हम कुछ भी दे देते हैं। चलो फादर का मोबाइल नंबर देना है, ठीक है। मदर का नेम देना, क्वालिफिकेशन, मदर का ऑक्यूपेशन क्या, हाउसवाइफ तो हाउसवाइफ, और नंबर भी देना है, नंबर सेम ही रख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब गार्जियन कौन बनेगा, मम्मी या पापा, तो मम्मी बनेगा तो सेम एज फादर करके आगे बढ़ो, ठीक है कर दिए। और गार्जियन का ऑक्यूपेशन भी हो गया, रिलेशनशिप, ईमेल एड्रेस नहीं मांगे, जरूरत नहीं है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन किससे पूछ लेना अपना, नियरेस्ट रेलवे या फिर गूगल मैप में मार लेना नियरेस्ट रेलवे स्टेशन क्या है। कितने फैमिली मेंबर है, फैमिली में कितने मेंबर, मम्मी पापा और भाई बहन मिला के जितने भी है वो मार देना। उसके बाद सेव गार्जियन डिटेल्स हो गया। उसके बाद आता है 10+2 का, ये 10th में इंग्लिश में कितना मार्क्स मिला था, इंग्लिश का मार्क्स मांग रहा है, 10th में टोटल मार्क्स कितना मिला था, फॉर एग्जाम्पल 800, 10th का टोटल मार्क्स कितना था, जैसे कि वेस्ट बंगाल बोर्ड में 700 का टोटल मार्क्स होता, उसमें कितना मिला था, ठीक है। तो एग्रीगेट ये आ गया, ये एक चीज करना है तुमको, टोटल फुल मार्क्स और फुल मार्क्स में कितना मिला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूशन नेम, 10+2 किस स्कूल से पास किए हो वो नाम लिख दो, उसका एड्रेस, एड्रेस किस सिटी में पढ़ता है, किस सिटी में क्लास 12 किए थे उसका एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट जो है वो दो, स्टेट, स्टेट का नाम, कंट्री, इंस्टीट्यूशन पिन मतलब पिन कोड, ठीक है। मीडियम इंस्टीट्यूशन किस मीडियम से पढ़े, इंग्लिश मीडियम, उर्दू क्या है वो दे देना। एनएफई नॉन फॉर्मल एजुकेशन, तुमको कुछ नहीं पता तो यहाँ पे नो ही करना, क्योंकि नॉन फॉर्मल नॉर्मल जो होता है ये नो ही होगा, ठीक है। हैव यू स्टडी ईवीएस ऑफ एटलीस्ट 100 मार्क्स इन कंपल्सरी इलेक्टिव, तुम्हारा 10+2 में क्या ईवीएस कंपल्सरी सब्जेक्ट था, कंपल्सरी ऑप्शनल नहीं था, तो यस कर देना, नहीं तो फिर नो कर देना। अब चलो 6 सब्जेक्ट है, किसी किसी का ना सब्जेक्ट ना 6 नहीं होता, 5 होता है, तो इसमें शायद एक ऑप्शन होगा, नहीं है फिर भी किसी का, अच्छा सब्जेक्ट नॉट फाउंड, इफ नॉट फाउंड तो यहाँ पर टेक्निकल में कॉल कर लेना अगर तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं मिलता है तो, ठीक है। तो चल सबसे पहले अकाउंटेंसी, इसमें से दो ना तुमको लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा, फॉर एग्जांपल बंगाली किया और एक इंग्लिश, और यहाँ पे तुमको यस करना होगा, यहाँ पे यस करना, और लास्ट जो है बिजनेस स्टडी, ठीक है। अब फुल मार्क्स थ्योरी प्रैक्टिकल, थ्योरी प्रैक्टिकल जो वेस्ट बंगाल बोर्ड में उसको पता होगा कि थ्योरी 80 मार्क्स का, प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का होता है, किसी किसी में बाइफर्केशन नहीं होता है, किसी किसी में 100 मार्क्स का ही पोर्शन रहता है, जिसका 100 मार्क्स का ही है तो वो 100 कर देना, यहाँ पे 100 करके करना। और फॉर एग्जाम्पल किसी का 80-20 में डिवीजन दिया हुआ है तो उसको 80 करना है यहाँ, और यहाँ पे 20 करना है, ऐसे क्लियर हुआ ना। बट अभी हम 100 लेके ही चलते हैं, ठीक है कर दिए। प्रैक्टिकल में 0 बैठा देना है लोगों,
100 में देना। अब देखो पासिंग मार्क्स कितना, 100 में 30% पास होता है ना, अपने अपने बोर्ड के हिसाब से जो पासिंग मार्क्स होता है 30% होता है, वो यहाँ पे 30 मार्क्स लिख देना पहले। ये सब अभी मार्क्स ऑब्टेन नहीं है, ये सब मार्क्स बस क्राइटेरिया भर रहे हैं। अब प्रैक्टिकल में कितना, प्रैक्टिकल में तो 0 ही होगा क्योंकि हम प्रैक्टिकल में कुछ भरे ही नहीं है। अब मार्क्स ऑप्टेन यहाँ पे कितना मार्क्स मिला 100 में, आपको वो लिखना है। ठीक है, अब प्रैक्टिकल में कितना मिला, प्रैक्टिकल का तो कुछ मिला ही नहीं क्योंकि हम वहां पे ही 0 दिए हैं, तो यहाँ पे भी 0 देना है। ठीक है, अगर तुम भरते ना ईवीएस का तो मार्क्स यहाँ पे लिखना, देखो एरो दिखा दिखाओ, यहाँ पे एरो लिखता है, यहाँ पे वो ईवीएस का मार्क्स लिखना पड़ता है। ठीक है, आप कैलकुलेट करोगे ना तो अपने आप ना बेस्ट ऑफ 4 का आ जाएगा तुम्हारा पास परसेंटेज। सेव क्वालिफिकेशन डिटेल्स कर लेना है, हो गया। अब आते हैं ये अप्लाइड, कौन सा शिफ्ट में, मॉर्निंग में करना है कि डे में करना है। मॉर्निंग में करना है तो मॉर्निंग सेलेक्ट करके BA 3 साल का डिग्री, मेजर सब्जेक्ट मान लो बंगाली लेना है, कौन सा AAC करना है, मतलब AAC पहला लैंग्वेज सिलेक्ट कर लो, और कोई ऑप्शन तो नहीं आ रहा। फिर भी देखो ये BA में क्या है, तुमको जो कॉम्बिनेशन लेना वो कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना है। ठीक है, कौन सा मेजर करना है, मेजर मतलब किस में बेसिक, बंगाली ऑनर्स करना है तो जो ऑनर्स करना है वो इसमें लेना। ठीक है, उसके बाद ऐड कर देना। ऐड हो गया, देखो मान लो तुमको एक और चीज अप्लाई करना है, डे में अप्लाई करना है, फिर से सब कुछ करके फिर ऐड करना आ जाएगा। तो एक बार में 3-4 बार, 3-4 चीज कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, फिर प्लीज कंफर्म करके 7 प्रोसीड कर देना। ये सब कुछ हो गया, अब बात आता है एड्रेस, एड्रेस दे देना, एड्रेस अपना दे दो, पुलिस स्टेशन क्या है वो किससे पूछ लेना, पापा मम्मी से सब बता देंगे कि मेरा पुलिस स्टेशन क्या है। लोकेलिटी अर्बन मतलब शहर में रहते हो, गांव में रहते हो तो सेमी अर्बन या रूरल दे देना। सिटी कौन सा है वो सिलेक्ट, सिटी दे दो, सिलेक्ट का ऑप्शन तो है नहीं, और एड्रेस ये डिस्ट्रिक्ट दे दो, स्टेट सिलेक्ट कर लो कौन सा स्टेट से हो, और कंट्री सिलेक्ट कर लो, और पिन नंबर भी दे दो, पिन नंबर जो एड्रेस पिन नंबर होता है। मान लो परमानेंट ये जहाँ पे रहते हो एक्चुअली, प्रेजेंट में जहाँ पे अभी कॉलेज करोगे तो कहाँ पे रहोगे वो एड्रेस देना है। मान लो हम कॉलेज, मान लो हम बिहार में रहते हैं तो बिहार का एड्रेस परमानेंट में जाएगा, और प्रेजेंट में एड्रेस में जाएगा जहाँ पे, यहाँ पे मान लो हम होटल में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो वहाँ हॉस्टल का एड्रेस जाएगा पर प्रेजेंट एड्रेस में। ठीक है, आप सेव कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हो गया सब कुछ सेव। आप यहाँ पे एक बार और कोड मांग रहा है, 70491 और ये करके कंप्लीट, एप्लीकेशन इज कंप्लीटेड, वो अदरवाइज योर एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर, क्या बोल रहे हैं, अपलोड करना। अच्छा, अपलोड डॉक्यूमेंट ही बाकी है, ये लास्ट पॉइंट है जहाँ पे हमको फोटोग्राफ देना है 50 KB तक का, दे दिया। क्या मांग रहा है, फिर सिग्नेचर भी 50 KB तक मांग रहा है मिनिमम, दे दिया। क्लास 10 का मार्कशीट मांग रहा है, क्लास 12 का मार्कशीट, एज प्रूफ में देना, क्लास 10 का एडमिट कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट दे देना। उसका टिक करके अपलोड। अच्छा, एक ठीक है, अपलोड अपलोड हो गया, उसके बाद एप्लीकेशन कंप्लीटेड दिखा गया। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे आना, साइड में व्यू एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करना, प्रिंट में एप्लीकेशन फॉर्म में जाना और ये चीज प्रिंट कर लेंगे, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका रेडी हो गया। ठीक है, एनी डाउट, कोई भी डाउट होगा कमेंट में ड्रॉप करो, इंस्टाग्राम का लिंक वहाँ पे मैसेज करके बात कर लो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।